x-axis and y-axis, x-axis and y-axis. So ये भी ये कर एंड ये कर. सो इस कर्व का नाम है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स एंड इस कर्व का नाम है y इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स. सो एरिया बिटवीन टू कर देख रहे हैं यहाँ पे, टाइटल लिख देता हूँ, एरिया बिटवीन टू कर्व. ओके सो लेट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम देखिए. लेट y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स एंड q ऑफ x बी द टू कर्व्स. ओके टू कर्व्स है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स. नाउ व्हाट इज द एरिया? सो एरिया बिटवीन टू कर्व, बिटवीन टू कर्व्स, कर्व्स y इज इक्वल टू p ऑफ x एंड q y इज इक्वल टू q ऑफ x. सो फार्मूला फॉर दैट, a इज इक्वल टू एरिया, एरिया बिटवीन टू कर्व निकाल रहे हैं. सो ये एंड बी आर टू लिमिट्स, पी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस लिमिट्स ए एंड बी क्यू ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वी कैन से ए वन माइनस ए टू. सो लिमिट्स ए एंड बी पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स डी एक्स, ऑल फार्मूला फॉर एरिया. ये फार्मूला है एरिया निकालने के लिए. अभी हम एक प्रॉब्लम लेते, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स रहने वाले, बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स. व्हाट इज गिवन? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स. सबसे पहले गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स. सो यहाँ पे देखो दो गिवन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स. द गिवन कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड विद वर्टेक्स एट ओरिजिन. ओके पैराबोला रहने वाला है एक्स वाई, पहले निकाल लेता हूँ. पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू एक्स, ये क्या रहने वाला लाइन. वाई इज इक्वल टू एक्स, ये क्या रहने वाला है लाइन. ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रहने वाला पैराबोला और ये लाइन. ओके सो लाइन पासेस थ्रू वाई इज इक्वल टू एक्स, लाइन पासेस थ्रू वाई इज इक्वल टू एक्स. ओके सो वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर and y is equal to x. So now put y is equal to x square in y is equal to x. So x is equal to x square. So x square minus x is equal to 0. So x, x is common निकालिए. So अभी यहाँ पे दो पॉइंट मिलते हैं, x is equal to 1 and or we can say x is equal to 0. So यहाँ पे दो पॉइंट निकालते हैं, x is equal to 1 and x is equal to 0. अभी क्या करना है, equal to 1 and y is equal to ये आ जाएगा जीरो. देन वी पुट हियर वाई इज इक्वल टू वन एंड ये जीरो, ये पुट करते हैं. अभी देखो अभी कैसे हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन एरिया बिटवीन टू कर्व है ना, इसलिए कॉम्बिनेशन इसका भी एक ही डायग्राम में बताता. एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्सिस ये लाइन यहाँ से गई है और ये पैराबोला ऐसा आया है. सो एट वन वन x x is equal to 1 and y is equal to 1. So ये कौन सी इक्वेशन, y is equal to x and ये y is equal to x square. अभी सॉल्व करेंगे. अभी जो फार्मूला पहले देखा आपने एरिया बिटवीन टू कर, सो ये इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, ये लिमिट्स a और b p ऑफ x dx एक्स माइनस क्यू ऑफ ये लिमिट्स a और b q ऑफ x x एंड y1 dx माइनस y2 dx. ओके ये लिमिट्स क्या है, जीरो टू वन, जीरो टू वन है और एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अभी ये पुट अप करना है, वाई वन कौन है, वाई वन सो एक्स टू दो फॉर एन वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री. यहाँ पे डायरेक्टली पुट अप किया, वाई इज इक्वल टू एक्स है, ये गिवन वाई इज इक्वल टू एक्स है और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो आई इक्वल टू एक्स, पहले एक्स एक्स का एक्स टू दोबारा एन वाला फार्मूला लगाइए और यहाँ पे आई जोड़ी एक्स क्यूब. सो अभी इसको सॉल्व करते हैं. सो पुट अप द लिमिट्स, वन एंड जीरो लिमिट्स है, लिमिट्स वन एंड जीरो. सो यहाँ पे लिमिट्स वन स्क्वायर बाय टू माइनस ए जीरो रहेगा, माइनस ए वन क्यूब बाय थ्री और माइनस जीरो. तो इसको सॉल्व करते वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री का सॉल्व कर दे, माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स, सो वन बाय सिक्स स्क्वायर यूनिट.
ये सब करना पड़ता है कुछ नहीं। पहले अगर आप डायरेक्टली निकलना चाहते हो तो एरिया रिक्वायर्ड, सो ये वाले जो है इसको पुटअप करना है, ये वाले जो है इसको पुटअप करना है। ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू है, सो ये आप यहाँ से पुटअप करना है। इसके बाद लिमिट लगाना, पहले प्रॉब्लम उसमें फार्मूले में रखकर सॉल्व करना।